तो आपके पास भी अगर पुराना कंप्यूटर और पुराना लैपटॉप है जिसमें आपके वाईफाई की कनेक्टिविटी 2.4G की आती है और आज का जमाना चल रहा है 5G का, तो वहां पे आपके लिए मैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, टीप लिंक का AC1300। ये 5G प्लस 2G ये 12 वैंड में एक वाईफाई USB अडेप्टर है जो आपके पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप को आज के जमाने का कंप्यूटर लैपटॉप बना देगा इंटरनेट के मामले में। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी स्पीड को हम टेस्ट करेंगे कि वास्तव में इस जो पुराना USB अडेप्टर था मेरे पास, इससे कितनी ज्यादा यहाँ पे हमें स्पीड मिलती है, सारी चीजें इस वीडियो में हम बता के जाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने है टीप लिंक का AC1300 मिनी वायरलेस MIUI MIMO USB अडेप्टर। पहले मैं इस अडेप्टर को यूज करता था, ये 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है, ये 2.4G की स्पीड देता था, पर ये जो है मैंने मंगाया है 5G कनेक्टिविटी के लिए। ये हमें दोनों कनेक्टिविटी इसमें मिल जाएंगी। अगर 5G की स्पीड की बात करें तो 867 Mbps पर सेकेंड इसकी स्पीड मिलती है, और जो 2.4 GHz की जो स्पीड्स है वो 400 Mbps मिल जाती है। ये USB 3.0 में है, क्योंकि पहले USB 2.0 चलता था पर उससे 10 गुना फास्ट रहता है USB 3.0, तो ये 3.0 में है। और इसके काफ़ी ज़्यादा मॉडल आते हैं, मैंने जो मंगाया वो मिनी वाला मंगाया है, इसमें एक मॉडल और आता है जिसमें एंटीना थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो उसकी कनेक्टिविटी जो वाईफाई की जो कैचिंग पावर है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं, और साथ ही साथ ब्रांड इसमें 3 साल की जो है वारंटी दे देता है कि अगर 3 साल के अंदर अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो उसको वो रिपेयर करके देगा या फिर आपको रिप्लेस करके देगा। और टीप लिंक की तरफ से आपको यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी मिल जाता है जिस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन या कंप्लेन वगैरह अपनी कर सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम कर ले। फर्स्ट में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, कुछ यहाँ पे एक प्रेम पत्र एक बुकलेट मिल जाती है, इसको कैसे यूज करना है सारी चीजें मिल जाती हैं। ड्राइवर मिल जाता है CD में, तो इसको ड्राइवर को अपने सिस्टम लैपटॉप में आप इसको लगा के इनसे इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट से भी जो है डाउनलोड कर सकते हो टीप लिंक की वेबसाइट से जाके। तो इसको मैं जो है अनबॉक्स कर लिया हूँ, और ये जो है छोटा सा यूनिक सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना छोटा यहाँ पे जो है टीप लिंक का ये जो है USB वाईफाई राउटर है। तो इसमें एक इंडिकेटर भी दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक टीप लिंक की ब्रांडिंग दी है। तो बस यही था इसके बारे में, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं भाई, ये छोटी सी USB अडेप्टर है पर बहुत कमाल की चीज़ है। मैंने इसकी स्पीड टेस्ट की, पहले मैंने इस ओल्ड वाले की स्पीड का मैंने रिकॉर्डिंग किया, तो ओल्ड वाले स्पीड की जो रिकॉर्डिंग आई थी वो आई थी 3.37 Mbps, ये डाउनलोड स्पीड थी, और अपलोड स्पीड थी वहाँ पे 1.45 Mbps, बहुत ही कम स्पीड थी। फिर उसके बाद मैंने ये लगाया, जब मैंने टीप लिंक का ये वाला लगाया तो मैंने इसका पहले 2.4 GHz वाला जो है कनेक्ट किया, क्योंकि मेरे वाईफाई राउटर जो है मेरा 2 मॉडल में है, वो भी 2.4 में और 5G में, तो मैंने पहले 2.5 जो है 4 का यहाँ पे कनेक्ट किया इस वाले से, तो उसमें भी अप्रोक्सीमेट जो है स्पीड सेम आई ओल्ड वाले की अपेक्षा 3.39, और अपलोड स्पीड आई 1.08, उतना स्पीड आया, उससे ज़्यादा स्पीड मुझे नहीं मिला। पर जब मैंने इसका 5G वाला वाईफाई जब मेरे राउटर से निकला, इसकी 5G कनेक्टिविटी वाला मैंने कनेक्ट किया, तो वास्तव में यार रिजल्ट बिल्कुल अलग था, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट था, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो जो डाउनलोड स्पीड आई थी ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अलग आई थी, बहुत ही डिफरेंट था, धरती आसमान को कहते हैं ना, धरती आसमान वाला डिफरेंट था बिल्कुल। वहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो 5G वाले पे आई थी वो 8.64 Mbps की स्पीड आई थी, और जो अपलोड स्पीड आई थी वो 6.78 Mbps की स्पीड आई थी। तो भाई 5G वाले में 2.4G वाले से बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। तो बाय द वे, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और आप इसको खरीद सकते हो, और अपने पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को 5G आज के ज़माने का कनेक्टिविटी वाईफाई में बना सकते हो। तो आई होप आपको अनबॉक्सिंग काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें आपको अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर उनका सा यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।